साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे पूनम अहमद जी की कहानी एक नया अंत। आइए कहानी सुनते हैं। किचन में पैर रखा ही था कि डोरबेल बजी। मैं चौंकी, कमला बाई तो आज छुट्टी पर है, नवीन को भी ऑफिस गए काफी देर हो चुकी है, फिर सुबह सुबह कौन होगा। दिल ही दिल में यह सोचते हुए दरवाजा खोला तो संपदा थी, साथ में विजय भी था। विजय ने जल्दी से कहा, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को संपदा को लेने आऊँगा, पापा से भी मिल लूँगा। मैंने कहा, ठीक है बेटा, डिनर यहीं करके जाना। तो वह हाँ ठीक है कहता हुआ जल्दी से चला गया। उसके जाने के बाद संपदा और मैं ड्राइंग रूम में आए। संपदा काफ़ी कमज़ोर लग रही थी और काफ़ी दिनों बाद आई थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बैठो मैं आती हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम अंदर थोड़ा लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस आप आ जाओ मेरे साथ बैठकर बातें करो, खाना हम मिलकर बना लेंगे। उसने कुछ उदासी से कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाश्ता, एक स्लाइस के साथ एक कप चाय पी ली होगी। कितनी बार कहा है इस हालत में अपने खाने पीने का खास ध्यान रखा करो, दूध पिया करो, फल खाओ, लेकिन आजकल की लड़कियों की समझ में हम पुराने लोगों की बातें आती ही नहीं। रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैं किचन में जाकर उसके लिए मिल्कशेक बनाने लगी तो मुझे अपना वह समय याद आ गया जब मैं संपदा जितनी थी, और इसी तरह मैं भी जब मायके जाती थी तो मेरा दिल भी यही चाहता था कि माँ मेरे पास बैठी रहे। मैं मिल्कशेक लेकर संपदा के पास आई। उसका मुरझाया चेहरा देखकर मैं चौंक गई। पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी क्या होना है तबीयत को, बिल्कुल ठीक है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे बुरी तरह चुभा। फिर ऐसी गुमसुम सी क्यों हो? मैंने कुरेदा, जो आम तौर पर मेरा स्वभाव नहीं था, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए पूछ ही लिया। मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ, एक तो मेरी तबीयत खराब है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। मैंने उस पर चिंतित दृष्टि डालते हुए कहा, तुम अपना ध्यान रखो, खाओ पियो, आराम का समय निश्चित करो, मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रही हूँ। मम्मी यह बात नहीं है, मैं पहले इस बात पर हंसा करती थी कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, लेकिन अब इसका मतलब मैं समझ गई हूँ। क्यों ऐसा क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी बेटी संपदा का विवाह साल भर पहले ही हुआ था, विजय हमें सभ्य और समझदार लगा था, उसके पिता भी अच्छे पद पर थे, उससे बड़ी दो विवाहिता बहनें थी, घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी और विजय की माँ सुभद्रा देवी मुझे ठीक ठाक ही लगी थी, देखने में तो कुछ ऐसा नहीं था। फिर ऐसी क्या बात हुई जो संपदा इतनी दुखी लग रही थी? मम्मी आपको बताया था ना कि आजकल मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, उल्टियों की वजह से बुरा हाल है, लेकिन माँ जी को लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और घर के कामों से जान छुड़ा रही हूँ, वहाँ सबका मूड खराब हो जाता है, मम्मी मुझसे सहन नहीं होता। कहते कहते संपदा रोने लगी। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैंने पूछा, और विजय वह तो तुम्हारा ध्यान रखता है ना? हाँ मम्मी, शुरू शुरू में तो वह बहुत खुश थे, लेकिन आजकल माँ जी का खराब मूड देखकर कुछ बोलते ही नहीं, इस पर मेरा दिल और कुड़ जाता है। मम्मी एक लड़की के लिए उसके ससुराल में उसका सबसे मजबूत सहारा उसका पति ही होता है, अगर वह भी उसका साथ नहीं देगा तो वह कहाँ जाएगी? देखो बेटा, इन दिनों तबीयत ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन तुम हिम्मत रखो, अगर तुम भी अपनी बड़ी बहन सुखदा की तरह अकेली रहती तो भी तुम्हें यह सब करना पड़ता, तब घर वालों के रोज नए मूड तो नहीं देखने पड़ते। रवि जीजाजी ने ऐसी हालत में दीदी का कितना ध्यान रखा था। बेटा ये तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, समय के साथ ये खुद ही हल हो जाएंगी। अब तुम टेंशन छोड़ो, सुखदा को भी फोन कर दो कि शाम को वह भी आ जाए, सब मिलकर खाना खाएंगे। बताओ क्या बनाऊं? मम्मी मेरा दिल कर रहा है आज पापा के लिए छोले बनाऊं,
आपको याद है ना, पापा को आपके हाथ से ज्यादा मेरे हाथ के छोले अच्छे लगते हैं। संपदा के हाथ में बहुत स्वाद है, यह मैं जानती हूं, इसलिए मुझे उसकी गर्वीली आवाज पर हंसी आ गई। मम्मी, आज कमला बाई नहीं आई? नहीं, उसकी बेटी बीमार है, कल आएगी। संपदा मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। लाओ मम्मी, मिलकर काम निपटाते हैं, मैंने कहा। तुम यह सब छोड़ो, तुम जाकर मेरे रूम में टेबल पर देखो, नई पत्रिका आई है, उसमें मेरी वह कहानी छपी है जो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। मैं उसे किचन से हटाना चाहती थी। अरे सच मम्मी, वह तो बड़ी अच्छी कहानी थी, मैं अभी देखती हूँ। वैसे भी मसालों की खुशबू से मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। मम्मी, हमारे आने के बाद आपका काम बढ़ जाता है ना? संपदा की आवाज में शर्मिंदगी सी थी। यह काम बढ़ने से मुझे और तुम्हारे पापा को जो खुशी मिलती है, उसका अंदाजा तुम लोग नहीं लगा सकती। मम्मी, मुझ पर भी कोई कहानी लिखो ना। अच्छा ठीक है, लिखूंगी। अब तुम आराम करो, और हाँ, सुखदा को भी फोन कर लो। संपदा मेरी रूम की ओर बढ़ी तो मैंने बिजली की तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। हाथ अपना काम कर रहे थे और मन अपना। दो ही बेटियां हैं हमारी, यह तो ईश्वर की कृपा है जो दोनों इसी शहर में हैं। दोनों आती जाती रहती है, हम दोनों का काम ही कितना था, इसलिए समय मिलने के कारण मेरा लेखनी का शौक भी जोरों पर था। कई पत्रिकाओं में मेरी कहानियां छपती थी, जिसकी सबसे बड़ी प्रशंसक और आलोचक मेरी बेटियां ही थी। नवीन तो शाम को ही आते थे। सच तो यह है कि मेरे इस शौक ने मेरे अकेलेपन को बड़ा सहारा दिया था, क्योंकि बेटियों वाली माँ को तो आदत होती है ना, हर समय घर में गपशप और रौनक का माहौल हो। इसलिए संपदा के विवाह के फौरन बाद मैं बहुत घबराई, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को संभाल कर अपने आप को व्यस्त कर ही लिया। रात में मेरी बेटियाँ दामाद इकट्ठा हुए। सुखदा के बेटे शौर्य ने खूब रौनक लगा रखी थी। नवीन दोनों दामादों के साथ बातों में व्यस्त थे। हम तीनों बेडरूम में आ गए। शौर्य ने नवीन की गोद में डेरा जमा रखा था। सुखदा अपने पापा की तरह हर बात साफ साफ करती थी, अब तो वह और भी बोल्ड हो गई थी। लेकिन संपदा मेरी तरह बहुत ही सोच समझकर बोलने वाली थी। इस बात का ध्यान रखती थी कि सामने वाले को कोई भी बात बुरी ना लगे। अपनी परेशानी जल्दी शेयर नहीं करती थी, इसलिए मुझे उसकी चिंता रहती थी। सुखदा ने संपदा से उसके ससुराल के हाल पूछे तो वह बताने लगी कि कैसे पिछले बार जब उसकी नंदे आई तो सुभद्रा देवी उसे खाने का लंबा चौड़ा मेन्यू बताकर अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पर निकल गई। विजय उसकी तबीयत देखकर कहता ही रह गया कि वह खाना बाहर से ले आएगा, लेकिन सुभद्रा देवी ने उसे बुरी तरह डांटा कि बेकार के नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। मैं और सुखदा उसकी बातें सुनकर दुखी होते रहे और साथ ही उसे समझाते भी रहे। डिनर हो चुका था, दोनों बेटियां चली गई। एक दिन हमने डिनर शुरू ही किया था कि विजय का फोन आया। संपदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम तुरंत वहां पहुंचे, संपदा के सास ससुर भी वहां थे। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? अभी तो काफी टाइम है डिलीवरी में। सुभद्रा देवी जैसे भरी बैठी थी। होना क्या है, आजकल की लड़कियां हैं ही नाजुक, जरा सी गर्मी और जरा सा काम सहन नहीं होता है इनसे। हम लोग कितना काम करते थे, ना एसी था ना कूलर, इस पीढ़ी में तो जैसे जान ही नहीं है। मैंने नवीन का उड़ा हुआ चेहरा देखा, उनकी तो जैसे अपनी बेटियों में जान थी। सुखदा अक्सर कहती थी, कितने मजबूर होते हैं लड़कियों के माता पिता भी, उनकी बेटी के बारे में ससुराल वाले ना जाने क्या क्या कहते जाते हैं और वे पलट कर जवाब भी नहीं दे सकते। इतने में ही संपदा की डॉक्टर बाहर आई, विजय से कहने लगी, हालत देखी है आपने अपनी पत्नी की, इतना ब्लड प्रेशर, उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। अब उसे टोटल बेड रेस्ट की जरूरत है, शाम तक आप उसे घर ले जा सकते हैं। सुभद्रा देवी से रहा नहीं गया, लो अब यह नया ड्रामा, एक तो डॉक्टरों ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर रखा है, बड़ी फीस दो, लंबी लंबी बातें सुनो, बस नए जमाने के नए नए रंग। अपनी माँ की बातें सुनकर विजय शर्मिंदा सा दिखा। मैंने दबी सी आवाज में कहा, बहन जी
आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिनों के लिए संपदा को अपने घर ले जाऊं। जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटा, फौरन बोली, हाँ यह ठीक है, माँ के घर जैसा आराम उसे कहाँ मिलेगा। कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब कहेंगे सास ने ध्यान नहीं रखा। लेकिन माँ, हम फुल टाइम मेड रख लेंगे तो संपदा को आराम मिल जाएगा, विजय ने कहा तो सुभद्रा देवी ने उसे घूरा। हम संपदा को घर ले आए, मैं व्यस्त हो गई। विजय रोज शाम को चक्कर लगा लेता था, कभी कभी सुभद्रा देवी भी आ जाती थी। संपदा के चेहरे का पीलापन कुछ कम हो रहा था, अब वह आराम से थी। नवीन के तो जैसे पुराने दिन लौट आए थे, पिता पुत्री खूब बातें करते। कठिन से कठिन समय में भी यह खूबी होती है कि वह बीत ही जाता है, और संपदा का कठिन समय भी बीत ही गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब संपदा एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। सारा परिवार खुशी से खिला जा रहा था। सुभद्रा देवी का भी मूड अच्छा था, बेटे का नाम पार्थ रखा गया। समय बीतता रहा, स्थितियां बहुत तेजी से बदल गई थी। सुभद्रा देवी अपनी बीमारी के कारण घर के मामलों से दूर सी हो गई थी। मैंने कई बार संपदा में आने वाले परिवर्तन को नोट किया था, वह अब चुपचाप सी रहने लगी थी। धीरे धीरे वह सुभद्रा देवी की बहू बनती जा रही थी। समय का पंछी अपनी गति से उड़ता जा रहा था। संपदा के सास ससुर नहीं रहे थे, सुखदा संपदा के बच्चे बड़े हो गए थे, नवीन रिटायर हो चुके थे। हम दोनों जीवन की सांध्य बेला अपनी बेटियों को फलते फूलते देखकर संतोष से बिता रहे थे। शौर्य अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में था, पार्थ अपनी पत्नी मानसी के साथ संपदा और विजय के साथ रहता था। संपदा कुकिंग में और भी माहिर हो गई थी, अब तो वह बड़े से बड़े शेफ को मात देती थी। घर में किसी न किसी बहाने पार्टी करती ही रहती थी, हम दोनों को भी आकर जबरदस्ती ले जाती थी। एक दिन संपदा सुबह सुबह आई, मैंने पूछा, मानसी कैसी है? अरे मम्मी, क्या हुआ है उसकी तबीयत को? वह तो नॉर्मल है, बस कुछ लड़कियों की आदत होती है हर बात को बड़ा चढ़ाकर बताने की। संपदा का स्वर ही नहीं, ढंग भी बदला हुआ था। लेकिन संपदा, यह बीमारी तो नहीं है? हर लड़की इन दिनों शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का सामना करती है, इसलिए पहली बार माँ बनने वाली लड़की अक्सर घबरा जाती है, तुम उसका ख्याल रखा करो, मैंने उसे समझाया। मैं क्या ध्यान रखूँ, वह है ना उसका ध्यान रखने वाला मुफ्त का गुलाम पार्थ। आज सुबह मानसी नाश्ते के लिए नहीं उठी तो मैंने पार्थ से पूछा तो बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी के कारण उठा नहीं जा रहा। मम्मी, मेरा मूड इतना खराब हुआ कि क्या बताऊं? वह पार्थ को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। उसके रोज रोज के नाटक मैं खूब समझती हूँ। आज पूरा दिन लंच और डिनर बनाएगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं तो सुबह सुबह ही यहाँ आ गई। गुस्से में तेज तेज बोलती संपदा मुझे कठोर सी लगी। ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने हमें जीवन में बहुत कष्ट पहुंचाया हो तो मौका मिलने पर हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि जिन कष्टों से हम गुजर चुके हैं वे दूसरों को ना दे। मैं सोचती रही और संपदा उठकर सुखदा को फोन करने लगी। थोड़ी देर में सुखदा भी आ गई। सुखदा तो अकेली ही रहती थी, उसे आना अच्छा ही लगा। शाम होते होते दोनों चली गई। मैं मन ही मन अपनी बेटी के कठोर होते हृदय पर दुखी होती रही। नवीन सब ठीक हो जाएगा कहकर मुझे तसल्ली देते रहते। मैं जानती थी कि मन ही मन अपनी बेटी की बदलती सोच पर वे भी दुखी थे। फिर एक दिन संपदा अचानक आई, कहने लगी, मम्मी संडे को एक पार्टी रख रही हूँ, आप और पापा डिनर वहीं करना, मैं पार्थ को आप दोनों को लेने भेज दूंगी। मगर बेटा किस खुशी में, मैंने हैरानी से पूछा। बहुत दिन हो गए सब मिलकर बैठे नहीं, सुखदा और रवि जीजाजी भी आएंगे, विजय के कुछ दोस्त भी होंगे। मैंने पूछा, खाना बाहर से आएगा? बाहर से क्यों, हर चीज घर पर बनेगी। लेकिन मानसी की तबीयत कितनी खराब चल रही है, तुम कुछ महीनों के लिए पार्टियां छोड़ दो तो अच्छा ही रहेगा, घर पर पार्टी हो तो काम निकल ही आता है। मानसी का ध्यान रखो, उससे आराम करने दो, मैंने कहा तो वह बुरा मान गई। बोली, आपको उसकी बड़ी चिंता रहती है,
मैं भी तो इस हालत में कितना काम करती थी, याद है ना आपको। और यहाँ तो मैं खाना खुद बना रही हूँ, उसे कहाँ आता है इतना अच्छा बनाना। उसके स्वर में मजाक था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उस समय वह मेरी बेटी नहीं बल्कि सुभद्रा देवी की बहू लग रही थी, बिल्कुल उन्हीं के जैसी, बस अपनी परवाह करने वाली, अपने लिए सोचने वाली। मेरे जीवन में तो सास बहू के रिश्ते की कटुता कहीं थी ही नहीं। नवीन के माता पिता जब तक रहे, मैंने हमेशा उन्हें आदर दिया था, और बदले में मुझे पुरस्कार के रूप में मिलता रहा उनका ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ, आप दोनों आ जाना, संपदा ने कहा तो मैंने एकदम एक निर्णय ले लिया। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, रुको बेटा, तुम हमेशा से कहती थी ना कि मेरे ऊपर कहानी लिखो मम्मी। हाँ मम्मी, मगर वह तो बहुत पुरानी बात हो गई। तुम्हारी कहानी मैंने लिखी तो थी, उस कहानी में तो मेरे अनुभव, स्नेह और आंसुओं का भी रंग शामिल हो गया था, लेकिन मैंने उसका अंत नहीं किया था। कई दिन यही सोचने में बीत गए कि कहानी का अंत कैसे करूं कि वह खूबसूरत भी हो जाए और पूरी भी। मैं संपदा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और अपनी फाइल निकालकर उसे दे दी। लो इसे पढ़ो और बताओ कि मैं इस कहानी का अंत कैसे करूं। मैं फाइल उसे देकर कमरे से बाहर आ गई। बहुत देर बाद जब रोई रोई आंखों वाली संपदा आकर मुझसे लिपटी, तो मुझे विश्वास हो गया कि इस कहानी को एक नया अंत मिल गया है, और मानसी संपदा जैसा जीवन बिताकर एक और संपदा नहीं बनेगी जो सुभद्रा देवी जैसी है। क्योंकि स्त्री हमेशा ही स्त्री की दुश्मन नहीं होती, बल्कि उसकी हमदर्द और दोस्त भी हो सकती है। मैंने भावुक होकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे मेरे सामने सुभद्रा देवी की बहू नहीं, मेरी बेटी है। आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की कहानी, एक नया अंत।